हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस. आई एम नवदीप कौर एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द फेलियर स्टोरी विद ऑल ऑफ यू. ठीक है फ्रेंड्स, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन में 25% ऑफ चल रहा है, तो आप कंप्लीट पेपर वन मेरे से पढ़ सकते हैं एंड पेपर टू मैं कॉमर्स कराती हूँ. कोई और सब्जेक्ट है तो भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन में 25% यू विल गेट, एंड वो भी आप देख पाओगे अगर आपके एजुकेटर अवेलेबल है. जो लर्नर्स का नेट जेआरएफ नहीं हुआ है, इवन देन हाउ दे थिंक, वट शुड दे डू एंड आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और आप लोगों की भी सुनी जाएगी यहाँ पर. ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे डेली ही मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि मैम हम लोगों का मन कर रहा है कि अब गिव अप कर दें, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं मैम इस बार JRF हम दिसंबर में निकाल के ही रहेंगे. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस वट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, दैट आप क्या करने वाले हो. गुड इवनिंग टू एवरी वन. फ्रेंड्स जी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. अगर आपको कुछ बोलना है तब आप अनम्यूट कर लेना. ठीक है, देयर इज नो इशू, बस आवाज. हाँ जी, गुड इवनिंग अभी सबको. गुड इवनिंग. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको कहूंगी कि ये जो फेलियर अभी है, ये बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके का फेलियर नहीं है, बिकॉज आप लोग सभी पोस्ट ग्रेजुएटेड हो और हर कोई तो आपके आसपास पोस्ट ग्रेजुएटेड भी नहीं होता है, राइट? तो इस वजह से ये इसको कोई फेलियर नहीं कह सकते. अब दूसरी बात कि हम सबने ही बहुत अच्छे से मेहनत करी है और इसके अंदर, बेटा हाँ, हम सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है. ठीक है, अब बात यह है कि अब ये मेहनत जारी रखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए, राइट? देर आर टू ऑप्शंस. एंड मैं आपको बिल्कुल ये भी नहीं कहूंगी कि आप इसको करो करो, ये भी नहीं कहूंगी आप इसको छोड़ दो. ये डिसीजन हम आज खुद लेने वाले हैं अपने आप को एनालाइज करके. ठीक है, तो थोड़ी सी डिस्कशन मैं करूंगी, फिर हम आपके साथ भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मैंने व्हाइट बोर्ड निकाल लिया, अब आप मेरी बात सुनिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे, आई थिंक टीचिंग में, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी एक होता है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है, टेस्ट, तो हमें ये वाला टेस्ट करना होगा अपने साथ, ये डिसाइड करने के लिए कि शुड आई गो फॉर इट और नॉट. तो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट में होता क्या है, जो हमारी सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, वो है हमारा सबसे बड़ा फेलियर कि भाई इस बारी अपना तो नेट जे नहीं हुआ, या फिर नेट हो गया लेकिन JRF नहीं हुआ, राइट? हाँ, सो लगातार मेहनत हो रही है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है. तो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको प्लीज डू दिस, कम से कम 10 to 15 मिनट्स आपको बिल्कुल शांति के निकालने हैं, और एक एक अकेले वातावरण में, चाहे वो आपका घर हो, चाहे पार्क हो, चाहे लाइब्रेरी हो, कुछ भी आपको अपने लिए देने हैं प्लीज. एंड उसके अंदर आपको बहुत ध्यान से समझना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो मैं इस पर्टिकुलर के लिए करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ, सही हूँ मैं. कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे मेरी कमियां निकल के आ रही हैं और वो प्रॉब्लम्स हैं, उसको एनालाइज करके आप ये नोटिस करेंगे कि क्या ये जो नेगेटिव थिंग है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है मेरे लिए? क्या ये पॉजिटिव में बदलने का चांस है? अगर वो इम्पॉसिबल और आपको तब भी नेगेटिव थिंग्स बहुत ज्यादा नजर आए, देन यू कैन जस्ट स्विच, और आप इसको छोड़ सकते हो और फिर कोई दूसरा काम कर सकते हो. लेकिन जब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इज पॉसिबल, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है और इसको इधर बदला जा सकता है, देन यू शुड गो फॉर इट. कई बार ऐसा होता है कि हमारी किस्मत में चाहते हम कुछ है, होता कुछ और ही है. तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको UGC नेट JRF की जगह पे कुछ और ही अलग बहुत पसंद है, या फिर कुछ ऐसा है जिसमें आपकी बेस्ट वाली स्ट्रेंथ है, क्या पता आप उसमें ज्यादा अच्छा कमाल करके दिखा दो. लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारी छुपी हुई स्ट्रेंथ है जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं और हम यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, राइट? अभी तक मेरे पास जितने भी बच्चों के पर्सनली कॉल आया है, मैंने सबको यही वाली बात समझाई है. तो फ्रेंड्स, आपने जो यहाँ पर एफर्ट्स लगाए हैं, ट्राई टू थिंक कि क्या इन एफर्ट्स को हम आगे लेके जा सकते हैं. एक नजरिया ये भी सोचिएगा कि यार, मैंने UGC नेट प्रिपरेशन के साथ 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, जितना भी लगाया मुझे नहीं पता, हो सकता है ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही हो. ठीक है, क्योंकि किसी का पहले अटेम्प्ट में भी काफी बड़ा ब्रेकग्राउंड हो सकता है. तो बेसिकली UGC नेट JRF की आपने प्रिपरेशन कितनी की हुई है, और उस प्रिपरेशन में प्रैक्टिस कितनी की थी,
क्या यहाँ पर इज इट पॉसिबल कि थोड़े से और प्रीवियस से क्वेश्चन ढंग से लगाए होते मीनिंग निकालकर तो और अच्छा आ जाता रिजल्ट? तो ये चीज एक बारी समझेंगे हम कि हम है कहाँ, हम स्टैंड कहाँ करते हैं। ठीक है, अब स्टैंड करने के साथ साथ ये भी देखेंगे, कुछ बच्चे कह रहे कि मैम मैं ये छोड़ के कुछ और करूंगा। अब जो दूसरी चीज आप सोच रहे हो छोड़ के करने के लिए, उसके अंदर भी हमारा क्या शुरू से दोबारा से पूरी पूरी जिंदगी कवर करनी पड़ेगी? कुछ तो मेरे पास ऐसे गर्ल्स हैं जो कह रहे हैं कि मैम हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, कुछ करेंगे ही नहीं। देखो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की घर पे आपके रिलेटिव्स में इज्जत भी तभी होती है जब आप कुछ बन चुके होते हो। ठीक है, अब उस इज्जत का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बन गया तो मैं एरोगेंसी में आ जाऊंगा या फिर मैं उसका गलत यूज करूंगा। मैं उसको गलत वे में नहीं कह रही हूँ, मैं एक नॉर्मल सही पर्सन में कह रही हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करके आई हूँ या करके आया हूँ तो लोग अपने आप ही मेरे रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि यार मैं घर पे बैठ जाऊंगा अब या घर पे बैठ जाऊंगी। ठीक, बॉयज के लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं है घर पे बैठने वाला, लेकिन गर्ल्स ये ऑप्शन लेकर कुछ कुछ बैठी भी हुई है। ठीक है, जैसे मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन बच्चों को अपने आप पता है कि कौन कौन ये सब मेरे साथ डिस्कस कर चुका है। ओके, सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की जो वर्थ है पहचानो उसको, कि आप लोगों की वर्थ क्या है, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका करियर किसी और चीज में बहुत बढ़िया बन सकता है, आपकी ऑलरेडी बेस्ट स्ट्रेंथ है, तो कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, और धीरे धीरे अपनी नॉलेज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आप डेफिनेटली अपने एफर्ट्स लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ये वाला टेस्ट जरूर करेंगे और ये भी डिसाइड करेंगे कि यार इतनी ज्यादा मैं लाइफ में आगे आ चुका हूँ तो यार अब मैं पीछे हट जाऊं या फिर इसमें थोड़ा सा और बिल्ड करके इसको इंक्रीज किया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन करना आसान है कि नहीं, राइट? तो आप वो देखिए, मैम कैन आई क्वेश्चन प्लीज हाउ टू मैनेज RPG विद नेट JRF? शिवानी, दिस इज द गोल्डन चांस व्हेन यू आर डूइंग योर PG विद नेट JRF, बिकॉज इवन आई क्लियर माई नेट JRF ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने भी अपना नेट JRF पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही निकाला था। मैं आपको बताऊं, अभी आप स्टूडेंट्स हो, आपकी लाइफ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एकदम से जॉब का प्रेशर भी पड़ा है, आप अभी ही निकाल सकते हो। माई एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट्स, जो बच्चे भी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, या फिर आप दूसरा ला दे सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट स्टेज जब आप नेट JRF निकालेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर 2 है ना, दैट एग्जैक्टली रिजेंबल विद योर पेपर विच यू आर स्टडिंग इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका पेपर 2 एग्जैक्टली वही करना है जो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए आप कॉमर्स के हो और आप मेरे प्लस क्लास में आते हो, ठीक है, तो मैं जो कॉमर्स में टॉपिक्स करा रही हूँ, अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअली वही तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आ रहे हैं। उसकी कोचिंग नहीं लगानी पड़ेगी, आपकी एक ही कोचिंग डबल काम कर रही है जो पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, और जो अभी नहीं कर रहे उनका लैग हो चुका है, तो वो लोग उसको बेसिक से दोबारा से साथ में मेरे साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, फ्री क्लासेस में भी मैं आपके डेली प्रैक्टिस करा रही हूँ, प्रैक्टिस इज 100% मस्ट फॉर यू। ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक्स मैम। इंग्लिश लिटरेचर के लिए कौन से टीचर से पढ़ूँ? इंग्लिश के हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे, पेपर 1 में पढ़ाऊंगी और AKS राजवे सर है। ठीक है, सो अब आप बताइए कि आप के मन में कोई विचार है कि आपको अपनी फेलियर से रिलेटेड या आगे अपने आप क्या प्लान है, नेट JRF आप करना चाहते हो या फिर कुछ डिस्कस करना चाहता है कोई बच्चा? ज्योति को शायद कुछ कह रही है, यस नहीं, ओके, आई वांट टू टॉक टू यू, यस रश रश्मिता, यू कैन प्लीज। हेलो, हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? यस बिल्कुल, मैम एक्चुअली मैंने 2020 अक्टूबर में मेरा एम कॉम कम्प्लीट हुआ था, बट मैं तब भी नेट नहीं दी थी क्योंकि मैं उसके बाद ही मेरा मेरा जॉब शुरू हो गया था. ओके, बट मैं 2 साल जॉब फील्ड में रही, मतलब पहले एक एज ए टीचर काम करती थी, फिर CA फॉर्म में, फिर एज एन अकाउंटेंट.
बट फिर मैं अभी 2023 मार्च में जो एग्जाम दिया था अटेम्प्ट किया था, बट मैंने उस टाइम तो प्रिपरेशन नहीं किया था, तो उसमें मेरा जो पेपर वन था उसमें मेरा 85 परसेंटाइल आया था, और जो पेपर टू था वो तो मैं बिल्कुल पढ़ा भी नहीं था, तो 47 परसेंटाइल था। बट जब मैं जून में, मैं सिर्फ मई महीने में पढ़ाई की थी बट मैं प्रैक्टिस नहीं की थी कुछ भी, तो उसमें मेरा जो पेपर टू में था, पेपर टू में मेरा 80 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया और पेपर वन 65 परसेंटाइल। तो इस बार मैं कैसे तैयारी करूँ, और क्योंकि मैं अभी प्लस क्लासेस नहीं ले सकती हूँ और मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, और आपकी जो पेपर वन की जो प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं रात को 9 और 10 बजे, मैं वो कर रही हूँ, और खुद से आपकी एक बुक भी है मेरे पास और मेरे पास कुछ नोट्स है तो मैं उससे पढ़ाई कर रही हूँ। बट मुझे ठीक पेपर टू में सिर्फ अकाउंटिंग और फाइनेंस में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम्स है, तो मैं कैसे करूँ कि मैं दिसंबर में मेरा JRF हो जाए, थोड़ा मुझे गाइड कर दीजिए। ठीक है। देखो, आपने एक बहुत सिंपल सी बात आपको यहाँ से नोटिस हो रही होगी कि रश्मिता कह रही है कभी उनका पेपर वन में अच्छे आए थे और अब उनके पेपर टू में भी बेटर किया है, पेपर वन में पीछे चला गया है। तो इट इज अबाउट बैलेंसिंग बोथ पेपर्स। पहली बात तो आपको दोनों को टाइम टेबल में इंक्लूड करना होगा कि डेली डेली दोनों दोनों सब्जेक्ट आपको स्टडी करने ही है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे कैसे पढ़ूं, तो अब देखो, अगर हम फ्रीली अब पढ़ रहे हैं, अगर मुझे सिलेबस वाइज या यूनिट वाइज भी जाना है, तो या तो मैं टाइम वेस्ट करूं कभी किसी गूगल सर्च या यूट्यूब सर्च करके टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए, या फिर एटलीस्ट आप एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो, जैसे कि मेरी कंसेप्ट वाली बुक आती है पेपर की वन की, उसके अंदर मैंने 100%, मैं खुद कह रही हूँ, मैंने प्लस वाला सिलेबस भी उसमें डाल रखा है, ठीक है। तो जो कंसेप्ट वाली बुक अगर आप ले लेते हैं, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, दैट विल कवर योर कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ पेपर वन, ठीक है। पर्पल मैम कलर की है, हाँ, अच्छा, मेरे पास आपकी वो स्काई कलर की बुक है, वो पहले वाला था शायद, बहुत 2019 ज्यादा, का आई थी थिंक वहां पे 3-4 साल क्वेश्चंस हो गए उसको तो, है ना। था। सो हाँ अभी हाँ वाला बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, और तो वहां पे जो आपकी अपडेटेड बुक है उससे मुझे मतलब पीपल एंड डेवलपमेंट में मेरा जो अपडेटेड पेपर मिल वन में जाएगा, वीकनेस है वो थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट से, और पेपर वन में वो पीपल एंड डेवलपमेंट हायर एजुकेशन इसमें, और पेपर टू की अकाउंटिंग और फिनेंस मेरा गैप हो गया ना, तो मुझे इस हाँ, दोनों थोड़ा में थोड़ा आई वीक एम है, टॉकिंग कैसे अबाउट ऑल करूँ। दिस थिंग्स, ठीक है, डोंट वरी। वो जो नया वाला है ना बुक, अभी वाला पर्पल कलर का, इसमें मैथ्स का पार्ट एंड पेपर मैनेजमेंट सब कुछ अपडेटेड है बिल्कुल ही, ठीक है। साथ में हर एक यूनिट का मैंने फ्री क्लास 2023 वाला लिया हुआ है यूट्यूब पे, फ्री 2023 वाला यूट्यूब पे प्रॉपर हर यूनिट के टू टू क्लासेस है। एंड यू नो, कॉमर्स का एक अलग यूट्यूब चैनल है मेरा, कॉमर्स नव क्लासेस, हैव यू सीन दैट। उसमें मैं यस अकाउंटेंसी की ही डेली ही एमसीक्यूज करवा रही थी, और फिर सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज भी करवा रही हूँ। ऐसे उस वाले चैनल पे भी मैंने हर एक यूनिट का 2 और 3 क्लासेस ली है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आगे भी डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आप उसको देखो और फिर प्रैक्टिस करो। अब जब हमने एक तरीके से कंसिडर कर लिया कि इतना ही पढ़ना है कंसेप्ट में, हाँ पेपर टू की जो आपकी बुक है उससे अकाउंटिंग और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, मतलब हाँ मुझे थोड़ा बिल्कुल वो अकाउंट। हो जाएंगे, और साथ में मैंने वीडियो यूट्यूब पे बनाया है ना, तो उसको देखोगे तो जल्दी आपको कैच होने लग जाएगा कि क्या कहा जा रहा है, ओके ओके ठीक है। आज मैंने पूछा भी था कि किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक में, तो वो बताएं, बच्चों ने लिखा है कमेंट में, आई विल टेक देम इन नेक्स्ट। हाँ, आप लोग ना कमेंट में आपकी वो लिखा करो, अपडेटेड वाला बुक कब आएगी, वो पेपर टू का अपडेटेड बुक कब नहीं है आएगी? अपडेटेड है, अप्रैल में मैंने अपडेट किया था, टू इसमें इनकम थाउजेंड टैक्स ट्वेंटी वगैरह फोर सब अच्छा, कुछ तो फिर अपडेटेड है। मतलब सिर्फ अच्छा वो बुक ले लेते हैं, और जो क्वेश्चंस आएगा वो तो आप करवा देंगे, वो टू थाउजेंड करवा ट्वेंटी दूंगी थ्री मैं, अभी जो 2023 के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वो तो मैंने कूडोज लर्निंग में अपडेट कर देना है, ठीक है। वो एक दो होते हैं तो मैं अपडेट कर देती हूँ, ऐसे ही होता है। ओके अच्छा, ओके थैंक यू मैम। ठीक है, हाँ जी। अब नीश कह रहे हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, यस मैम, और मैम हेलो हाँ हेलो हाँ जी, मैम, और जो टेस्ट सीरीज आप जो सैटरडे या फिर संडे को टेस्ट सीरीज लगाने के लिए बोले थे, तो उसको मैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लगाने से चलेगा ना, मतलब पूरा हाँ, फुल टेस्ट टाइम सेट प्रीवियस कर ईयर दिया क्वेश्चन? एक्चुअली, ठीक है, आप ना टाइम सेट कर हाँ लिया करो, हाँ मुझे इतनी देर में ये करना है, नहीं तो बच्चा करता है बीच में कहीं घूमने चले गए वहां पे और कुछ और सोच रहे हैं, हाँ 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 एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि मैं उतने टाइम में सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैम और एक चीज, मेरे अंदर वो एक वीकनेस है कि मेरे अंदर वो डर है, मतलब मैं मुझे पता है मैं ठान लूंगी तो कर लूंगी, बट डर को हाँ कैसे निकालूं, कभी कभी बहुत डर लग जाता है मुझे कि नहीं होगा, क्योंकि देखो, अभी गैप तो हो मुझे नहीं लग जाएगा रहा तो आपमें मुझे डर बहुत है, अभी आप फियर आ जाता है। कॉन्फिडेंट हो, आपको अंदर से इच्छा है, डर ठीक है होगा, लेकिन उसके साथ साथ इच्छा है कि आई वॉन्ट टू डू दैट,
बस वो वांट यस टू डू दैट के पीछे पड़े रहो, ठीक है। एंड ओके रोज ओके मैम, लव जे आर एफ, थैंक आई विल गेट यू जे आर एफ, मतलब जो लोगों का प्यार होता है ना, बस यू, उसको प्यार एफर्मेशन बना लो इस बार, ठीक है ओके मैम, जी। यस सो थैंक लेट यू, टॉक अदर ऑल्सो प्लीज यस जी यस यस आज। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैं कह रहा था कि मैंने अभी तक दो अटेम्प्ट दिया है नेट का। हाँ जी, एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ अभी प्राइवेट ऑफिस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ओके तो ऑफिस में ही एक लड़के ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पीजी कर रखे हो तो नेट और पीएचडी करनी चाहिए, और ओके पीएचडी हाँ मुझे करना भी था, बट मैं चाह रहा था कि 2-3 साल जॉब करूँ और फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद करूँ मैं। ओके बट इन बिटवीन क्या हुआ कि आपकी क्लास के लिए सजेस्ट किया और उसी ने मुझे बुक गिफ्ट किया था, आपका अच्छा ही। ठीक है। हाँ, तो उस बुक से मैं पढ़ा भी, इनफैक्ट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 31 मार्क्स वो आया था, 31 क्वेश्चन सही हुआ था पेपर 1 में। बट पेपर 2 में मेरा हमेशा से ही वीक रहा है, 42 फोर्टी सब्जेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में था, कॉमर्स ही है मैम, है ओके okay. फोर्टी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी था, सेकेंड अटेम्प्ट अभी दिया है उसमें भी 40 था। हाँ, परसेंटाइल फ्लक्चुएट होता है, लास्ट टाइम मेरा परसेंटाइल 61 ही था, बट इस टाइम पे 40 क्वेश्चन में ही 83 या 84 है मेरा हाँ, इस बार कट ऑफ कम गई है परसेंटाइल। इसलिए। और करेक्ट करेक्ट, और पेपर 1 में मेरा इस बार 28 क्वेश्चन सही हुआ और 86 परसेंटाइल है। तो मैम मुझे करना चाहिए आगे प्रिपरेशन, और कैसे करना चाहिए? मैंने कल ही सब्सक्रिप्शन भी लिया आपके कोड के थ्रू ही। मैं देखो, आप एक आपका सिर्फ इंटरव्यू कंटिन्यू ले रहे हो, उस पे जॉब ले रहे यूट्यूब हो, वगैरह का सारा सेशन ले रखा हूँ। ठीक है, करेक्ट मैम, ठीक करेक्ट, बट है, मैं यू ओवरनाइट आर जाके करता हूँ क्लास। ठीक है। दिस इज आई एम सेइंग कि आप अभी जॉब में ही भी हो, थोड़ा फाइनेंशियली आपको पीछे बैक है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके साथ साथ आप चाहते हो कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूं और मैं नेट जेआरएफ भी दूं और अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए पीएचडी भी करूं, ठीक है। तो इसलिए आप कर सकते हो, आप इधर के टेंशन इधर मत डालिएगा। बस जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप कह रहे हो लेट नाइट जैसे करते हो, तो उसको पूरा डट के बिल्कुल इधर उधर की बात सोचिए। मुझे अब इस टाइम पे ये मेरा गॉड गिफ्टेड टाइम है, ठीक है, एंड आई विल डिवोट दिस टाइम होली टुवर्ड माय ड्रीम, क्योंकि ये आपका ड्रीम है, आप हो ना, मैं आ रही हूँ। अरे अरे ये तो म्यूट भी नहीं हो रही। हाँ जी, यस सो बेसिकली मैम, आप और उस पेपर टू के पर्टिकुलर लिए, टाइम को ना पेपर ऐसा टू सोचेंगे कि ये मेरे लिए गॉड ने मुझे गिफ्टेड टाइम दिया है, एंड आई विल 100% कंसंट्रेट इन दिस टाइम। एंड पेपर टू के लिए, अब प्लस क्लास में तो वो ही ना, तो क्लासेस चल रही है हमारी, और उसके अभी बाद लिया है अभी मैंने। दिस इज द, हाँ अभी लिया तो आपने, कल और परसों मेरी क्लास प्लस में नहीं है, तो आप उतना टाइम यूटिलाइज करके पहले यूनिट टू कर लीजिए, ठीक है, कॉमर्स की जो अकाउंटेंसी चल रही है। फिर उसके बाद एक दिन में एक एक एक्स्ट्रा यूनिट भी कवर करेंगे, तो एक एक एक्स्ट्रा क्लास भी कवर करेंगे, तो यूनिट 1 भी कर लेना, ठीक है, धीरे धीरे करके साथ साथ चलिए। ये ऐसा पहली बार है कि मैंने अब कॉमर्स की भी फ्री क्लास डेली देने शुरू कर दी है। बच्चे बार बार कह रहे थे कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, पेपर 1 की रात को 10 बजे सबकी फेवरेट क्लास है, बट ऐसा कॉमर्स के लिए क्यों नहीं है। तो कॉमर्स की सुबह 11:30 मैं डेली एमसीक्यूज ले रही हूँ, मैंने बल्कि आज भी, अच्छा आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए थे, लेकिन मैं कोई तो क्लास कॉमर्स की रोज ले रही हूँ ना 11:30 बजे, तो आप डेफिनेटली उसके भी ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मैं भी मैम डबल शिफ्ट करवा रही वन हूँ, आप मोर भी यहाँ क्वेश्चन, पे कर रहे हैं। हाँ जी मैम एक मन में डर भी है क्योंकि इसका परसेंटाइल जो देख रहा हूँ मैं 99 पॉइंट समथिंग जाता है, तो मैं क्या मैं कर पाऊंगा, ये भी मन में हमेशा चलता रहता है कि मुझे कंटिन्यू करनी भी चाहिए कॉमर्स देखो, को लेके। पेपर 1 में आई एम डैम श्योर कि मेरा 35 एबव लाऊंगा इस बार मैं। कॉमर्स में भी आ जाएगा, ठीक है। एक चीज ये है कि आपको अंदर जो डर है ना, उस डर को साइड कर दो, और आप बस ये कंसेंट, ये मत सोचो परसेंटाइल, एक तो परसेंटाइल में जब जा रही हो, बस ये देखो वे टू जेआरएफ, मतलब मुझे जेआरएफ का रास्ता अपनाना है, ठीक है, और उसके लिए बस मुझे सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके से सही करके आने हैं। वो कहते हैं ना डियोन्टोलॉजी, कांत जी ने दी है, कांत क्या कहते हैं, कर्म करो फल अपने आप मिलेगा, ठीक है। सो ये हमारे कहीं ना कहीं इंडियन टेक्स्ट में भी यही बात कही गई है, कर्म करो फल अपने आप मिलेगा, सो मेक श्योर एंड डू योर एफर्ट्स, यू विल डेफिनेटली गेट इट। मेरी तरफ से, मेरे को तो यही लगता है, मैं जितनी ज्यादा मेहनत करती थी उतना रिजल्ट आया था, जब मैं मस्ती में आती थी तो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता था, मतलब मुझे तो मेहनत के ही एक तरीके से मिला है। तो आप भी एक मैम मेहनत, मेरे तो घर में ही कंपटीशन है, अच्छा कैसे, मेरी सिस्टर सिस्टर ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था उसका, और अभी वो नेट निकाल ली, तो मुझे अच्छा और डर लगने लगा है तब से। कोई बात नहीं, आप जॉब भी तो करो साथ में, ठीक है, और पेपर वन दोनों पेपर वन पेपर वन तो मैंने ही पढ़ाया उसे।
है, कोई नहीं, होता है। हाँ जी, मैं अभी पीजी ही कर रही मैम हूँ। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, अभी कर मैम सकती हूँ। हाँ जी, मैम, हमारी आवाज आ रही है? नमस्ते हाँ बिल्कुल आ रही है। मैम। बस मैम हमें ये कहना था कि हमारा पेपर वन का ही स्कोरिंग काफी कम जा रहा है, और हमारा पेपर वन में 26 ही क्वेश्चन सही जमे हैं विदाउट प्लस सब्सक्रिप्शन। हाँ, मुझे पता तुम्हारी, मैंने पूरी वॉइस सुन ली थी। अब उसके आगे हाँ ये है कि जी क्या मैं 35+ कर सकती हूँ। मैं कह रही थी तुम्हें जी कि मैम, तुम 40+ भी कर सकती हो, ठीक है? 40 क्या, आप जैसे कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 90+ मार्क्स लेकर आए हुए हैं, ठीक है? ऐसा जी नहीं है कि मैम, कुछ भी मैं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल एविडेंस है मेरे पास, क्योंकि मैं आप लोगों का स्कोर कार्ड भी मंगवाती हूँ अपने पास, ठीक है? कि 92, 94, 96 मार्क्स तक मैंने अपने लर्नर्स के देखे हैं। 98 नहीं देखे, जी ओके, 96 तक देखे हैं। तो वो भी कैसे आते हैं? प्रैक्टिस करके आते हैं। वो इस तरीके से आते हैं कि मैम मैं कट ऑफ तक आ जाऊं, मैं सिर्फ 35 या 40 ऐसा मत देखू, मुझे देखना है, मेरे को जी अपनी मैम, तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि ऑल क्वेश्चन आई हैव टू अटेम्प्ट करेक्टली एंड यू गेट इट। लेकिन वो क्वेश्चन के लिए आपको कंसेप्ट, आपको प्रीवियस क्वेश्चन, आपको टेस्ट सीरीज देनी होगी। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि मैं 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ, कुछ इस तरीके से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखू, टाइम लिमिट सेट करके, ठीक है? अगर आपके पास अनअकैडमी वैसे लेता है हर हफ्ते, ठीक है, कुछ फ्री भी होते हैं तो आप वो पुराने वाले फ्री वाले भी उठा के देख सकते हो। अगर प्लस क्लास में हो तो प्लस वाले तो हर हफ्ते होते हैं, तो जी चाहे आपका वो टॉपिक जी कवर मैम, है या नहीं, आधे से ज्यादा बच्चे इसी बात पर रोते हैं कि मैम हमारा टॉपिक कवर नहीं है और फिर हमारे कम मार्क्स आते हैं, हमें डीमोटिवेशन होता है। अरे भाई उल्टा चलो, तो बैकवर्ड डिजाइनिंग करो प्लीज, कि अटेम्प्ट किया, इससे तुम्हारे दो काम होंगे। एक तो ये जो टॉपिक नहीं पढ़ा, अगर मुझे उसमें भी तुक्का लगाना आ जाए, आपको नहीं लगता ये एग्जाम में बड़ा मजेदार होने वाला है? एग्जाम में अगर मुझे जो जी नहीं आता उसका भी क्वेश्चन रीड करके, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर मैं कह रही हूँ क्वेश्चन में ही होते हैं, उसका मतलब निकाल के ही आ जाते हैं। पढ़ने की ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इसको रीड करना पड़े। बस वही कह रही हूँ ना कि काफी हद तक जब हम रीड करें तो उसी के मीनिंग निकाल के आंसर निकालने की कोशिश करें। और अगर वो टिपिकल क्वेश्चन है, उसके पीछे जानकारी की जरूरत है, तो जब हम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो उसको अपने जहन में रखें कि हाँ भाई मुझे ये वाला टॉपिक भी कवर करना है, उस टेस्ट में आया था, राइट? उल्टा चलो। यस, जी मैम, हम ये कह पेपर। रहे थे कि हाँ हमें कितना समय देना चाहिए पढ़ने को, और पेपर वन और पेपर टू को कैसे समय बांटे, कैसे सेग्रीगेट करें, कितने आवर्स। देखो देखो, अगर आप प्लस क्लास में हो तो 2 2 आवर्स यानी कि 4 आवर्स हो गए क्लासेस के, ठीक है? उसके बाद एटलीस्ट हाफ एन जी आवर आप उसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को दोबारा भी वहां वहां से देख सकते हैं जहां जहां डिफिकल्ट पोर्शंस था। यही चीज अगर जो बच्चा फ्री क्लास में है मैम, वो ये सोचे कि नवदीप मैम पढ़ा रही होगी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक, ये मैं खुद भी पढ़ लेता हूँ। भाई जब तुम प्लस नहीं ले सकते तो अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना पड़ेगा ना, ठीक है? तो वही चीज आप अपने ऊपर लागू करके देखो, अपने आप को स्ट्रिक्ट बनो, ठीक है? एंड देन फिर रात को 9 बजे से 11 बजे तक तो वैसे भी फ्री क्लास और प्लस क्लास वाले सारी मिल जाते हैं, तो वो आप साथ साथ में ले सकते हो। तो कम से कम हो सकता है कि ईच सब्जेक्ट को हाफ एन आवर या फिर 1 आवर आपकी कैपेसिटी के अनुसार देना पड़े। मैं तो कहती हूँ कि नोट्स बनाने के बजाय आप वीडियो बार बार देखो और जो समय बचता है उसमें एमसीक्यू सॉल्व करके देखो, समझ के, क्वालिटी यानी कि समझ के क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी समझने हैं, और वो टॉपिक नहीं आता तो उस टॉपिक को कवर करना है, ऐसे कीजिए, ठीक है? ऑल ऑप्शंस, जी ऑप्शंस मैम, क्वेश्चन में बदल के, क्वेश्चन ऑप्शन में बदल के आते हैं, ऐसा होता है बहुत। हाँ ठीक है जी, मैम, थैंक यू मैम। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल। एनीवन, अनामिका या श्रुति? हाँ ना, हेलो, गुड इवनिंग यस, मैम। हाँ जी, हेलो हेलो मैम, हेलो हेलो हाँ जी बोलो भाई, सिर्फ हेलो हेलो नहीं, कोई बोलना चालू भी कर दो और बाकी सब। मैम, आई एम अनामिका, शॉर्ट फॉर है ना, हाँ और ठीक है, मैं आपकी प्लस लर्नर हूँ। बट मैम, मैं डायरेक्ट अपने सब्सक्रिप्शन से नहीं हूँ, मैंने किसी के साथ शेयरिंग पे लिया है। और इस बार मेरा, जैसे मैं पहले भी फॉर्म भरती थी पर मैं कभी तैयारी के साथ हेलो, लिया बोल नहीं। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जो लो। तैयारी के साथ था, और इस बार मेरा नेट हुआ है और 0.20% से मेरा GRF रह गया। मैंने मैम पहले थोड़ा सा आलसी बना था, और 2 ही साल 2 ही महीने का मेरा प्रिपरेशन था। आप जो कहते हैं रोज डिवाइड करो, वो सब मैं ना फॉलो नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार मैंने रियलाइज किया कि मुझे आपकी सारी बातें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। सो इस बार
आप ही की नोटबुक है, इसी में मैं आपका डेली टारगेट रख अच्छा करके और मेरा डेली भी मिला डिवाइड था वाला ये आपको। दोनों। ओके हाँ मैम, यूट्यूब कॉन्टेस्ट में मैंने आपका जीता था, हाँ तो यस याद आ गया। इसी पे मैंने इस बार डिसाइड किया कि आपकी सारी बातें फॉलो करनी है, सारा तो मेरे को टारगेट भी लेकर के टारगेट मिला है, डिवाइड कर भी सब कुछ रहे इस हो बार सब कुछ? कुछ फॉलो कर रहे हैं मैम। बस एक डाउट है, जैसे मैं टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी करती हूँ, पीजीटी एग्जाम, टीजीटी एग्जाम्स की मैम, उसके साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसका सिलेबस भी है और मैक्सिमम 10% सिलेबस नेट से मैच करता है, बाकी 90% कवर करने के लिए उस पर टाइम देना पड़ता है। तो मैम पूरे दिन भर में मुश्किल हो जाता है नेट के लिए भी कवर करना और उसके लिए भी कवर करना, तो मैं उसके लिए अब मैं थोड़ा यहाँ पे एक बात सजेशन। बताऊंगी कि यहाँ पे अपने आप को देखो, अवनीश के जगह भी रख के देखो आप। हर कोई व्यक्ति आज के डेट में कम से कम दो चीजें तो कर ही रहा है। आप कह रहे हो मैं दो सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ, वो एक जॉब और एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, ठीक है? या कोई एक व्यक्ति घर का काम और सब्जेक्ट की तैयारी भी कर रहा है, ये सब भी, ठीक है? तो इन द सेंस की वैसे सही है ये। आपने मून लाइटिंग कंसेप्ट सुना है, मैंने बहुत बार यूज भी किया है, इसके जी ऊपर जी आजकल बहुत रिसर्च हो रही है। जी मून लाइटिंग यस कंसेप्ट मैम, एक्चुअली यही है कि एक समय पे एक से ज्यादा जॉब्स करना, ठीक है? तो आप हाँ एक तरीके से एक से ज्यादा जॉब ही कर रहे हो, जॉब इन द सेंस मतलब काम करना, ठीक है? तो आज की डेट में गति ही उसकी है जो एक से ज्यादा मल्टीटास्किंग एक तरीके से कर रहा है, ठीक है? और इसके ऊपर काफी सारे रिसर्च हो चुकी है और चल भी रही है, एंड दिस इज फ्रूटफुल एज वेल फॉर पीपल। लाइक वो लोग क्या करते हैं मून लाइटिंग में, कि वो लोग फुल टाइम जॉब करते हैं, फिर घर जब आते हैं उसके बाद कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं, इससे वो डबल पैसा कमा पाते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी नॉलेज को डबल इनहांस कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे को ये चीजें भी मिले, तो आप उन दोनों को मैनेज करके चलो, ठीक है? और अपने टाइम को टाइम टेबल फिक्स करके आप उसको एज अ जॉब लो कि मैं ये डबल जॉब कर रही हूँ, ठीक है? हर कोई व्यक्ति कर ही रहा है कहीं ना कहीं एक से ज्यादा टास्क। अब मेरे को देखो, मैं खुद की पीएचडी भी कर रही हूँ, आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ, फिर रिसर्च प्रपोजल और यस पेपर वाले मैम, बच्चों को आप भी तो पढ़ा रही हूँ, इंस्पिरेशन है और मैं अपनी मैम, आप लाइब्रेरी भी मेरे चला रही हस्बैंड हूँ, को क्योंकि भी मेरे बहुत काम गिनो गिना पसंद तो गिन के खत्म नहीं कर सकते पर मैं कर रही हूँ, मैं लगी हुई हूँ, बस मुझे नहीं पता मैं कैसे लगी हुई हूँ, बस मैं करे जा रही हूँ, ठीक है? ऐसा जी। है। ओके थैंक यू मैम। हेलो मैम, यस नमस्कार मैम। जी, नमस्कार जी। मैम मैंने ना जैसे एम कॉम की थी पहले, फिर उसके बाद बी एड की है, तो जैसे लिंक सा टूट गया हमारा कॉमर्स से, और जब अभी आपका उसके प्लस की स्टूडेंट हूँ मैं, और अब आपकी वीडियो देखती हूँ ना, जैसे एकदम माइंड में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मैं दोबारा आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ, तो उसके बाद मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे, क्योंकि मैं वीडियो ना 2 घंटे की, आपकी वीडियो मेरे से 3 साढ़े 3 घंटे में पूरी होती है, हाँ तो तो ठीक है, कैसे इसमें मैनेज करें। आप जो क्लास चल रही है, अब अगर आप प्लस क्लास में हो तो आपको खुद से ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप एक बार ही प्लस क्लास देख रहे हो, उसके बाद आप उसको आपका कंसेप्ट भूल चुके हो, है ना? तो एक बार ही और देख रहे हो, यस मैम, तो फिर उसके बाद एमसीक्यूज की बारी आती है, तो एमसीक्यूज में मेरे साथ साथ कर लो। मैं तो करा ही रही हूँ, मैं तो छोड़ी भी नहीं रही एमसीक्यू, हूँ। यस मैम, एमसीक्यू करे, जैसे कि आज का हमने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो हाँ मतलब बहुत मैंने बनाया काफी था, डिफिकल्ट लगा वो, मैंने और जब डिफिकल्ट ही हम एम बनाया कॉम में था, थे। मैं सबको बोला था कि आज का टेस्ट डिफिकल्ट होने वाला है, बोला था कि नहीं? हाँ जी आगे। फर्स्ट पेपर में तो मैम अच्छा, सेकंड पेपर में तो अच्छी हुई थी मैम, 83 परसेंटाइल थी, बट अच्छा फर्स्ट पेपर की फिर भी रह गई थी मैम, फर्स्ट पेपर में 56 परसेंटाइल थी, तो मैम कैसे मैनेज करें, जैसे टाइम मैनेज ही नहीं मैं हो यही रहा है। बोला, किसी और ने सुना टेस्ट के बारे में? टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो डिमोटिवेटेड होने की बजाय क्या करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो और समझो कि अगली बार ये टॉपिक मेरे से कभी गलत नहीं होगा। अगर तुम्हारा दोबारा टेस्ट देने में सेम टॉपिक का आंसर गलत आ रहा है तो ये हमारी गलती है, ठीक है? हाँ जी। सो जी नाउ श्रुति, कुछ कहना चाह रहे हो? हेलो हो हेलो हेलो मैम, हेलो हेलो नमस्कार। आगे, हेलो हेलो, हेलो कॉम्पिटिशन हो हेलो रही है आज? हेलो मैम, मेरी बात आ रही मैम? आगे बोलो हेलो, यार, 10 मिनट पड़े हैं, हाँ जिसने जी बात मैम, करनी कर लो। हाँ मैम जी मैम, फर्स्ट ऑफ हेलो। ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने तो स्पेशल क्लास में बस जस्ट ऐसे ही उस दिन आई थिंक किसी का आपने डाला था, तो मतलब ऐसे ही मतलब वो फेलियर फेलियर देखने पर, और सच बात तो अच्छा ये है मैम, आपने वैसे मैं बोला फेलियर था, नहीं, मैं कहूँ ये कौन था? हाँ बट ये श्रुति, मुझे याद आ गया, इन्होंने बोला था। मैम हमारी भी सुन लो। यस आगे। हाँ मतलब ऐसा कुछ है नहीं फेलियर, जैसे मैडम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ, बट ऐसा कि मैम शुरू से मतलब सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है,
ऐसा फर्स्ट से मेरा ऐसे ही रहा है, तो मतलब बहुत कम मेहनत करने पर, तो वो चीज मेरे में कभी आई नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना, लाइक ऐसा। तो मतलब मैं मतलब किसी का भी जैसे देखती हूँ ना, तो वो फटाक से ऐसा कि नहीं अपना भी होना चाहिए। उस दिन बहुत दिमाग खराब था, तो फिर मैंने ऐसे ही मैसेज कर दिया, तो मैडम थैंक यू सो मच, मतलब आपने इतना माइंड करा उसको, और आज ये क्लास जैसे सेशन लिया, तो और आप मैंने सब आज आपसे इस क्लास पहली में हो, बार। उसके पीछे इन श्रुति मैडम का कमेंट था। जी ठीक है, ओके। आई आई मैम अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव्स। मेरे को सुनना भी अच्छा लगता है कि हाँ, अगर आप कुछ नया इनिशिएटिव मुझे कह रहे हो तो आई शुड इम्प्लीमेंट। यस जी, आपको आप मैम कुछ सच में पूछना चाहते मतलब हैं? हाँ जी मैम, मतलब मैंने एग्जाम दिया था मैडम, मैं अभी मतलब सेकंड सेम में हूँ मास्टर्स के। और मैडम ऐसा कि मतलब मेरा पेपर वन बहुत वीक है, मेरे क्वेश्चन सही होते हैं वैसे, पहले तो मैं जैसे आपकी बात को ऐसे लाइटली ले लेती हूँ थी, बट अभी से ऐसा लगा है कि नहीं मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा लाइक ऐसा। जी तो मैडम है ना, मतलब यहाँ तो क्वेश्चन सही होते हैं बट, और कॉन्सेप्ट भी मेरे को बहुत क्लियर है, बट एग्जाम में जाके पता नहीं क्या होता है, दिमाग ऐसा घूमता है कि बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ तो इतने ही गलत होते हैं। देखो, ये जो हम अपने आप को ऐसा स्टूडेंट लेकर चलते हैं ना, मैं एक चीज हमेशा और कहती हूँ, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छी बात है, आप चलो उसके हिसाब से, लेकिन नेट JRF की जब तैयारी करो ना, आप एज अ प्रोफेसर करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये तैयारी करके आपने क्या बनना है, प्रोफेसर बनना और बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, अगर पढ़ाने के नजरिए से आप देखोगे ना कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे कल को मेरे जैसे और बच्चों को फेस करना है, ठीक है, क्योंकि आप तो बड़े बच्चों को पढ़ाने वाले हो, ऐसा, तो फिर आपके अंदर वो आएगी स्ट्रेंथ कि यस आई हैव टू गिव माई बेस्ट, और आप उसके अंदर ये नहीं सोचोगे कि मेरे को मेहनत करनी पड़ रही है, मैं मेहनत करूंगा तभी तो दूसरों से मेहनत करवाऊंगा, दूसरों को डांटेंगे कैसे हम, जब हमने खुद ही मदद जी नहीं मैडम करी, राइट? तो जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को आराम से तो नहीं मिला, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम में JRF हो गया था, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम पे वाकई में बहुत मेहनत की थी। मैं से 4 घंटे सोती थी, सुबह 4 बजे उठती थी और रात तक पूरा पढ़ती थी, ठीक है, और मतलब क्योंकि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की भी तैयारी चल रही थी, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप किया है, और UGC नेट JRF भी फर्स्ट टाइम में निकाला, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, लेकिन वो लेने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, आराम से नहीं आया। मुझे पता है कि मैं कैसे पागलों की तरह पढ़ी हूँ, मैं एक किताबी कीड़ा कह सकते हो ना आप, उससे भी ज्यादा बड़ा वाला कीड़ा थी मैं, ठीक है, तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेहनत करेगा तभी वो 100% या फिर अपने सपनों को पा पाएगा, ठीक है, तो डोंट वरी, डोंट हेजिटेट फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है, नाउ दिस टाइम मैम यू मैम हाँ मैम मैम हेलो जी हेलो 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 हाँ जी मैम मैडम, हेलो हेलो के अलावा कुछ बोल दो। हेलो मैम, दिस इज रश्मिता अच्छा ठीक है, मैम। अभी एक्चुअली वीमो को मैं बोलने दो जी बस प्लीज। हाँ जी, बस कोई भी नहीं बोलेगा, किस हेलो मैम, मैम हेलो मिल सकते हैं मैम, बहुत मैंने कई देर। बार एग्जैक्टली एग्जाम दिया बट मैम मैम एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको मैम? आ रही है, आप कह रहे हो इतनी मेहनत से एग्जाम हाँ नहीं क्लियर जी हुआ, अभी मैंने बहुत सारे हाँ जी पॉइंट्स मैम, बताए मैंने हैं, ठीक है, सेकंड तो अटेम्प्ट दे बैठ के दिए थे मैम, एग्जाम प्रोग्नोस्टिक्स क्लियर रेडी हुआ कीजिएगा, ठीक है जी। मैम। मैंने एग्जाम दिया था बट मेरे कुछ मार्क्स से रह गया था, नेक्स्ट टाइम फिर मैं दोबारा अटेम्प्ट दिया बिकॉज मैं जॉब में वर्किंग थी, उसके बाद मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई अपनी, तो देन मुझे लास्ट से एग्जाम देना चाहिए या फिर जॉब ये आपको अपनी नेट एग्जाम गलती मुझे अच्छे क्विट से करना पता है चाहिए। कि प्रिपरेशन नहीं कर हाँ पाई जी है, हाँ अब आपको एग्जाम तभी जी देना चाहिए जब आप अपने एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने को तैयार हो, ठीक है, इफ यू थिंक दैट आई कैन पुट मैम माई एफर्ट, मैं रोज का टाइम टेबल इतने घंटे, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का यस निकालूंगा, तो उसमें फोकस स्टडी करूंगा या करूंगी, देन यू शुड यस गिव एग्जाम, क्योंकि ऐसे तो आराम से तो होगा नहीं। शुद्रिति यस हेलो मैम, मेरे मैम, नेट में ओके मैनेजमेंट जी थैंक यू। हाँ शुद्रिति, 5 मिनट्स है ना मेरे पास, इसलिए दोनों सिस्टर्स दोनों, मेरे को ना ज्यादातर मैं पढ़ाई पूरा करती हूँ पर मेरा कंफ्यूजन का बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को इस बार का जो परफॉर्मेंस था, इससे मेरे को एक जो रियलाइज हुआ, जो मेरे को बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स लग रहा था, मैंने उसको सही किया है, और जो मेरे को आता था कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इजी था, हूँ सीरियसली बोल तो रही हूँ, यहाँ मेरे मैं ऊपर कहूंगी हमको सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, हमें हमेशा अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे अटके रहना चाहिए, ठीक है, यही गलती हुई ना आपसे भी, मुझे लगा ये नहीं ये होना चाहिए, उसके बाद पलट के कुछ का कुछ आंसर देके आ जाते हो आप, प्लीज स्टिक टू योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, नाउ मेक दिस हैबिट, हम क्यों ऐसे कर लेते अपने आप चीटिंग अपने आप से, ठीक है।
जी मेरा इसलिए मेरे को उतना गुस्सा आया है खुद पे, सब पता होते हुए भी मेरा इस बार हो सकता था पर मेरे अपने हाथों से मैंने बिगाड़ा है मैम नो जो भी इश्यू, पेपर। अब अपने हाथों से सुधार लेना, ठीक है? ओके, आपके साथ काफी सारी बातें भी हमारी हुई थी, है ना सुदृति जी? रेश रश्मिता, हेलो हाँ जी हेलो मैम, मैं बस एक चीज बोल रही थी कि जैसे आप आज जूम मीटिंग लिए ना, तो आप अगर हर महीने, मतलब मुझे पता है आप बिजी रहते हैं, अगर हर महीने बस 10-15 मिनट ऐसे कुछ क्लास ले लेती ना, तो हम बता सकते हैं कि हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हाँ। क्या होता है ना, ऐसे एक बार बात करते हैं तो पूरा गैप हो जाता है, फिर हम भी नहीं, फील अब में रहते हैं ना। मेरे को भी ये रियलाइज हुआ है कि मेरे हर महीने में लास्ट के 2-3 दिन लास्ट वर्किंग डे क्लास हाँ होती भी नहीं है, प्लस की मैं खुद अपनी छुट्टी रखती हूँ, तो उसमें मैं तो आपके साथ अगर आप, तरीके से आ जाया करूँ, हाँ मतलब आप चाहते हो थोड़ा कि उसे कांटेक्ट करेंगे बिगाड़ तो, दूँ। ठीक हाँ है, तो ठीक थोड़ा है, आप लोग हम लोग पूरा इसलिए लाइन में रहेंगे। ठीक ठीक है, मेरी अनअकैडमी की छुट्टी है आज कल है परसों। मैम, ओके कोई ठीक है बात मैम, नहीं, थैंक यू सो मच इसके ठीक है। लिए। नाउ एनीवन, मैम मेरा लास्ट रीजनिंग ट्रांजिशन, मैनेजमेंट, यस। हाँ मैनेजमेंट मेरा को सब्जेक्ट है और मेरा इस बारी सेकेंड अटेम्प्ट था। मैं फर्स्ट तो ऐसा था कि उसमें मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, मैं उस टाइम जॉब कर रही थी, तो अभी मैंने जॉब छोड़ी है और इस टाइम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने 1 महीने की तैयारी करी थी, तो मेरा स्कोर इस बारी पेपर 1 में 48 था आउट ऑफ 100 और पेपर 2 में 80 था, नाउ तो यू हैव पेपर टू टू गिव डेली मैनेजमेंट। प्रैक्टिस स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ। अब ये नहीं कह सकते 1 महीने की 2 महीने की स्टडी से नेट जरफ निकलता है, नहीं निकलता। हाँ जी आगे। यस मैम, तो मैम पेपर 1 के लिए तो मैंने आपका वो सब्सक्राइब कर दिया है अनअकैडमी पे, तो पेपर 2 मेरा मैनेजमेंट है, तो मैम कोई टीचर सजेस्ट कर सकते हो आप, मतलब मैं वो कहाँ से लूँ, प्लस क्योंकि क्लास में कॉमर्स हो तो है आप, नहीं, अदरवाइज मैं आपसे मतलब पढ़ती। प्लस में आपने कौन फर्स्ट सा में लिया, तो हूँ, ओनली पेपर 1 में ओनली पेपर 1 लिया या दोनों वाला नॉर्मल? दोनों लिया मैम। हाँ तो मैनेजमेंट के लिए आप कॉमर्स की मेरी 7 यूनिट जो कॉमन है वो मेरे से भी ले सकते हो, और मैनेजमेंट के एडुकेटर भी अवेलेबल है, आप उनको भी साथ में देख सकते हो। ठीक है ओके मैम, तो 7 यूनिट्स तो आपसे कवर कर सकती हूँ, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट उसमें मेरे सिर्फ सारा सिलेबस है ना मैनेजमेंट का, तो 7 यूनिट्स तो कुछ पूरी टॉपिक्स अच्छे से अलग हो कवर हो जाते रही हैं। है हमारी। ठीक है, वैसे आपके एडुकेटर भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी देखे ना, सेल्फ स्टडी पे जाके मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे आपके एडुकेटर आपको दिखाई दे देंगे। ठीक है सिलेबस में ओके आप। मैम। हेलो मैम, दिस इज दक्षिता मैम। यस मैं अपना क्वेश्चन पूछने से पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। एक्चुअली मैं आपको ज़्यादा टाइम से फॉलो नहीं कर रही, कुछ ही टाइम हुआ है, बट आपको देख के मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है। लाइक आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ करते हो मैम, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, हाँ, तो यस मैम बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ। मैं वैसे तलवीर सर को यूट्यूब पे फॉलो कर रही थी, मैं कभी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, बट जब से मैंने आपको देखा है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आपको फॉलो करना चाहिए। मतलब आपको देख के ये बहुत पॉजिटिव फील होता है, कुछ करना नहीं है, बस आपको देखते हैं ना, आप बोल रहे होते हो वो भी ऐसा लगता है ये वो एक एक सेकेंड भी बहुत वैल्यूएबल है। जी थैंक यू मैम के लिए। तो अब मैम मैं अपना क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मैं शायद 3 से 4 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ और मैम मुझे मिस्टेक अपनी समझ में आ तो रही है, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, विदाउट सब्सक्रिप्शन हो सकता है क्या नेट क्वेश्चन देखो, विदाउट सब्सक्रिप्शन भी ये? हो सकता है, क्योंकि अगर आप मेरी यूट्यूब पे देखोगे तो मैंने मोस्ट ऑफ द कंटेंट समझाया भी है, और साथ में अगर आप मेरी बुक ले लेते हो तो बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्लस वाला सारा कंटेंट मैंने बुक पे भी डाल दिया है। ठीक है, तो पेपर 1 की मेरी कंसेप्ट वाली बुक है जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर आपके हो जाएंगे, और साथ में अगर उसको समझना है तो अगर आप मेरी हर एक यूनिट की दो दो क्लासेस मैंने ली है तो आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आ जाएगा, फिर आपको बुक बोलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मैंने खुद की लैंग्वेज में लिखा है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर से कट पेस्ट करा है। ठीक है, समझाते हुए लिखा है, हर जगह पे मैंने ऐसे डाला है, ये ट्रिक है, ऐसे पढ़ो, नव लर्नर शुड डू दिस। ठीक है, तो आप उसको ओके लेकर और साथ में वो वीडियोस देखकर और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर कर सकते हो। ठीक है, मैम, गुड इवनिंग पेपर 2 मैम। में भी बुक में मतलब? यस यू विल गेट ऑल सिलेबस इन माई पेपर 1, पेपर 2, कॉमर्स बुक ऑल।
और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आप सबका साथ जुड़ने के लिए। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड रेगुलरली मेरी फ्री क्लासेस नव क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड कॉमर्स नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे और अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास रात को 10 बजे जरूर देखा करो। स्टे ब्लेस एंड आई एम ऑलवेज विद यू। आप लोगों के ही यू नो डिमांड पे मैं एवरी मंथ एंड पे आपके साथ इस तरीके के डिस्कशन जरूर किया करूँगी। तो टेलीग्राम पे बिना स्पेस के नव क्लासेस सर्च करो और आपको नव क्लासेस नेट जेरम मिलेगा, ज्वाइन करके रखिएगा, बिकॉज वहीं पे मैं जूम लिंक एंड ऑल देती हूँ।